जी एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम लोग आए हुए हैं पार्क, विशाल नगर जी में पार्क जाना, तो हम लोग आए हैं जी खाना लेकर। बाहर से बिरयानी ले ली थी, ट्रेन ने सलाद लिया, शाकली स्ट्रॉबेरीज ली, तो मैंने कहा चलो यार स्ट्रॉबेरी ली है, तो मैंने कहा चलो। अस्सलाम वालेकुम, चुप बोलो। अब मैं पार्क आई हूँ, हाँ मैं पार्क आई हूँ। ये मिकाइल साहब जो है ना बेचारा सो रहा था, उसको तैयार किया है, तो मैंने कहा चलते हैं पार्क। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ना बैठ नहीं बंदा सकता। तो ना रेम को तो धूप बहुत अच्छी लग रही है, मैम को कहते हैं ना पानी मिल जाएगा ये सब, तो रेम ने कोल्ड ड्रिंक भी ली है, तो रेम कहते हैं आज इंजॉय करेंगे। हाँ धो लूँ करके स्ट्रॉबेरी, रेम धो रहे हैं स्ट्रॉबेरी और सलाद, विशाल और रहीम है मिकाइल। विशाल आप हैप्पी हो? वो ज़्यादा हैप्पी हो? पापा क्या करे? टॉफी वॉश करे। अरे पानी से भरा हो शॉपर। रेम जो है ना, रेम इधर से सर, इधर से वो उधर बैठते हैं। हाँ जो स्कूल से बैठा चाचा तब। चलो जी हम जा रहे हैं जी उधर उधर स्कूल से। मैंने कहा रेम को बैठेंगे खाएंगे, हम प्लेट्स भी लेकर आए हैं घर से और स्पून भी लेकर आए। रेम ने सारा इंतज़ाम किया, घर के पास ये थोड़ा सी दूर है, जो पिंडी में रहता होगा उसको इस पार्क का पता होगा ये कौन सा पार्क है। विशाल और रेम ने मेरे बैग में क्या कुछ है, रेम आपने मेरे बैग में डाला हुआ। अभी रेम बैग से देखिए क्या कुछ नहीं निकालेंगे। रेम ने ये बिरयानी निकाली, रेम घर से चादर भी लेकर आए, हमने सारा इंतज़ाम आज किया हुआ है। रेम रेम कहते आज मैं आपको पार्क में से इंजॉय कराऊंगा जी, चादर बिछाऊंगा, सुकून से बैठेंगे, बच्चे रेड भी सकते हैं, इंजॉय करेंगे। शाल कितनी खुश है ना। हाँ मिकाइल ये है ना सुकून से वो कर लेगा। मैं कह रही हूँ मैं इतनी धूप में नहीं बैठ सकती। चले मिकाइल साहब इधर बैठ, इसमें पानी जो डाल। ये जी रेम प्लेट्स, ये रेम सारा सैलेड लेकर आए थे और शाकरी वो लिए हैं, ये रेम को ये बिरयानी पानी ग्लास सब कुछ रेम लेकर आए। रेम ने कोई चीज़ आज रेम ने छोड़ी नहीं है लाने की। तो मिकाइल सबको देखो जरा, मिकाइल क्या कर ले हो जानू, निकाइल जानू बिरयानी है सर मकड़े। ये जी हमने अपना अपना सलाद काट लिया, रेम के लिए, रेम तो खा रहे थे, मैं सलाद काट रही थी साथ। बेटा आप खाओ मेरी जान, आपको स्ट्रॉबेरी खानी थी ना, रास्ते में शोर मचा था, स्ट्रॉबेरी खानी है स्ट्रॉबेरी, तो ये राइस में डालूं यार। ये बड़े मज़े की इनकी बिरयानी है। हम साथ 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 अपना गंद भी साफ़ कर रहे हैं। ये मिकाइल साहब जो खा रहे हैं गाजर, इसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी भी। अरे इसको गाजर ना ही दूँ, ये में कोई उल्टा काम ना हुआ हो। शायद मज़े की स्ट्रॉबेरी यमी है। ये जी हम लोगों का दिन का खाना है, तो हम लोग खाना खा लें तो फिर मैं बताती हूँ जी हम लोग क्या कर रहे हैं। यहाँ पे फुटबॉल भी बच्चों को लेकर आएंगे, बच्चे खेलें दोनों। ये जी रेम खा पी के ना लेट गए, अभी ज़्यादा खा लिया था यार आपके। रेम कहते आप मैं बहुत घूमा फिरा करूँगा, आप रेम को दो दिन हो गए घूम के मज़ा आया। क्योंकि हम पूरी सर्दियाँ घूमे नहीं है ना, ना बच्चों की वजह से। हाँ वाह बच्चे भी हुए, भी डिस्टर्ब डिस्टर्ब हुई है, हुई है। देखो जरा, मैं हूँ आपकी प्यारी मरियम। इशारों देखो जानू खड़ा हो गया था मेरा बब्बा। ये देखो जी हमने खा पी लिया, हम ये सारा समेटूंगे, समेट के चादर झाड़ के फिर हम स्कूल से बैठेंगे, शाल के साथ खेलेंगे फुटबॉल। रही आप खेले खेल फुटबॉल शाल के साथ? तो छोटा फुटबॉल गया बच्ची बॉल के साथ खेलेगी ना, फुटबॉल बनी बॉल है वो। अभी नहीं इधर इसकी जान है फुटबॉल जितनी सही सही इंजॉय कर रही है शायद, खुश है। खुश है मकाल खड़ा हो रहा जी। है जी सब चाय और ना कि कप कोटा जी, चाय का चाय की तलब हो रही है ना, मैं आदत है ना खाना खाने के बाद चाय पीने की, इधर तक तो ठंडी हो जाएगी। जाते हैं पी लेंगे, नहीं मैं गाजा के पीऊंगी फिर फायदा नहीं है, अब गाजा के पीऊंगी। वैसे चाय भी बंदा बना के ला सकता है, चाय भी बना के ले आते, कमी रह गई थी। मगर यहाँ से चलना शुरू किया रेंगे, वो वहाँ पास से लगे, वो मैं गाजर डाली हुई है।
घर चलते चाय बना के। हाँ हाँ, ये वैसे घर तुम्हारा नजदीक कौन सा दूर है? दो मिनट का रास्ता है। हाँ बहुत दूर। आप बैठो, मैं बना के ले आ। हाँ मैं बैठ जाऊँ आके, आ बना के ले आओ। बहुत बहुत बचपन में किस पार्क में आई होंगी, अब आई हूँ नहीं पार्क में, सच में नहीं। इस पार्क में हम तो नहीं कभी भी आए। हाँ यू पार्क गए हुए, इधर नहीं आए भी हम। मुझे, मैं इस पार्क में बहुत कम आई हुई, बचपन में कहीं आई होंगी, उसके बाद अब मैं आई हूँ। अभी रेमने का इस पार्क में चलते हैं, घर के नज़दीक है, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। जी शूज बना दो। अच्छा रेम ये डाल रहे हैं कूड़ा। हाँ कूड़ा डाल रहे बाबा। रेमने धूप में बैठा दी, रेमने का थोड़ी देर धूप में बैठा ताकि थोड़ी सी धूप लगे। मैं कायल को, मुझे तो नहीं, मुझे तो पहली जब मैं ऊपर छत पे गई थी तब भी बड़ी गर्मी लग रही थी, बहुत तेज धूप है ना शायद। तेज धूप है ना। हाँ कहते हैं जी, कहते हैं ये जी रेम जा रहे डस्टबिन में कूड़ा डालने के लिए, कहते हैं अच्छा नहीं लगता यहाँ फेंक लो। आवाम ने तो ऐसे ही फेंका हुआ कूड़ा है। क्या हुआ? बॉल ही लेकर आए। अच्छा बाबा ले आते हैं बॉल। आप देखो पाँव में लगेगा शायद, लग जाएगी। शूज पहने बगैर नहीं जाना, ऐसे लग जाएगी। कहती है रेम को मेरे साथ बॉल के साथ खेले। अब आया रेम, मिकाइल जा रहा है वहाँ पे। मिकाइल 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 रेम मिकाइल रेम टीली है बहुत बड़े बड़े, इधर पाँव पे मेरे पाँव पे लगे हैं रेम, पाँव पे लगे हैं ना मेरे, मैं कह रही हूँ आपको। वो किधर किधर पहुँच गया मिकाइल। ये ना इस तरह के तीले हैं ये पाँव में और हाथों में लगने वाले, इस वजह से मैं रेम को कह रही हूँ। वरना तो कोई नहीं, घास है, घास ने क्या करना। आ जाओ जानू जानू आ जा। तेनू कहाँ कहते हो इन जलता, इसका मूड नहीं है चलने का। ओए मेरा पुत्तो रो लगे, गिर गए रेम अपने एकदम छोड़ दिया, तब लगी उसको गिरा वो। अब रेम बस कहते किस तरह चल ले, ये खुश कितना होता है ना हमारे सद के। वो पता क्यों जा रहा था, सिर्फ वो फुटबॉल के पीछे जा रहा था क्योंकि उसको फुटबॉल, ये बॉल बहुत पसंद है। वो फिर जा रहा है, टीले ना हो ना सॉक्स नहीं है रेम, घर पे से सॉक्स लेके नहीं, वो तो मैंने उसको पतली सॉक्स बनाई है रेम। वो देख देखे जी रेम के ऊपर से, रेम उसको कितना बार लेकर आया, रेम के ऊपर से जा रहा है ये मकाल के, मकाल के ला चक्कर वो गया रेम। अभी फिर अभी फिर अभी फिर जाएगा ये, अभी अब उसको रास्ता मिल गया। वो शाल बेटा पता नहीं आप लोग, वो जा रहा है आ रही, थोड़ा सा सोच चलाएं। आप वो कहते हैं इसके शूज लेते, हमने कहा नहीं नहीं इसके शूज के क्या करने हैं, शूज होते ना तो चलता। यार धूप में ना व्लॉगिंग करना बड़ा मुश्किल है, नजर ही नहीं आता कि क्या व्लॉगिंग हो रही है। यार ये फिर इसको पकड़ लो यार। मिकाइल इधर आओ, वो फिर जाएगा। अच्छा ये तीले मुझे समझ नहीं आते क्यों है, गंद इतना क्यों लोगों ने डाला हुआ है। वो तीले उठाता है रहता है, वहां से गंद उठाता है। हो गया फिर से गया। ज्यादा किधर है कैसे, फिर जा रहा है ये वहां पे। मिकाइल को आई है नींद, रेम कह रहे पता नहीं यहाँ सोता है कि नहीं सोता, शोर भी है। तो मैंने कहा रेम को कह घर चलते हैं, फिर वहाँ जाके चाय शाय पीते हैं, कुछ रास्ते से चीज़ें वगैरह लेनी है उनके लिए। वही चोट का मैंने देखा करूँगी थोड़ा सी, ताकि चेस्ट इन्फेक्शन जो है ना उससे ख़त्म हो जाए, सीने में रिश है ना ये नहीं ख़त्म हो रहा। पहले भी आपको पता बीमार हुआ था, दवाई दी है बस, इसको क्या पता नहीं क्या हो जाता है, समझ नहीं आती। शाह की भी तबीयत ठीक नहीं है अभी, सही दोनों का सीना खराब है। किसी ने वो मैंने नेट पे देखा सुहागी का भी, तो मुझे पता था सुहागा शायद खत्म हुआ था, मेरे पास वो लेना है, एक और चीज़ है मैंने वो लेनी है, तो लेकर हम घर जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। तो आप रहीं से मिल रही हूँ, अल्लाह हाफिज़ कर रही हूँ, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो, चलो खड़ी हो जी। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।